गहमा गहमी के बीच अयोध्या जिला पंचायत बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। हंगामेदार इस बैठक में 30 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ और उम्मीद जताई गई कि बैठक के प्रस्ताव द्वारा जिला पंचायत की आय में 25 लाख रुपए सालाना की बढ़ोतरी होगी। शामिल की गई परियोजनाओं की सूची 3 दिन के अंदर उपलब्ध कराने की मांग जिला पंचायत सदस्यों ने की है। बोर्ड की इस बैठक में खनन स्थलों से परिवहन शुल्क 4 गुना बढ़ाया गया है, जबकि ट्रैक्टर का शुल्क यथावत और मानचित्र पास करने के लिए दरों में भी संशोधन किया गया। ईंट भट्टा पर विलंब शुल्क बढ़ाने का अनुमोदन हुआ है। जिला पंचायत कार्यालय में सेवा प्रदाता कंपनी के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर सुरक्षा गार्ड रखे जाने की सहमति बनी है, तो वहीं कार्यालय में इंटरकॉम सीसीटीवी रूफटॉप सोलर लगाए जाने की भी सहमति बन गई। इसी के साथ बोर्ड के सदस्यों ने सर्वसहमति से नवसृजित पुलिस थाना बाबा बाजार में महिला शौचालय बनाए जाने के प्रस्ताव पर मोहर लगाई है। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष रौली सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रोहित सिंह, विधायक रामचंद्र यादव, विधायक अभय सिंह के प्रतिनिधि शंभुनाथ सिंह के अलावा सभी जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे। आज बैठक में लगभग 30 करोड़ का बजट पास किया गया। अब इस बजट के पास हो जाने से 2023-24 में जिले का समुचित विकास करने का काम किया जाएगा और सभी माननीय सदस्यों का बहुत धन्यवाद, आभार, सबके सहयोग से यह बजट पास किया गया। देखिए, पूरे जनपद का विकास हो रहा है, शहरी क्षेत्रों का विकास राम मंदिर के नाते आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ काम ही काम चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की भी जिम्मेदारी हम सबकी है, उसी के दृष्टिगत पूरे ग्रामीण क्षेत्र को प्रकाशमय बनाने के लिए जिला पंचायत से लगभग 10,000 लाइटें लगाने का प्रस्ताव है, जो इस साल और आगे मिला के किया जाएगा। और हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मार्गदर्शन है, उसके अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं और जिले का संपूर्ण विकास हो सके। ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, जिसको लेके हम लोग काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र की जिम्मेदारी जिला पंचायत की होती है, इसलिए जिला पंचायत उस दिशा में काम कर रहा है।